and starts how are you i am fine i hope you will be also fine okay students your unit test are over uh, so these questions have been given in unit test so today i will tell you i will discuss with you about given questions with answer okay you are uh, given five questions okay each questions for four marks and maximum marks 20 marks okay so student first question is what were the nine वॉट वर द नेम ऑफ़ नाइन जेम्स ऑफ अकबर इट मीन्स अकबर के नौ रत्नों के नाम क्या थे उनको लिखना है ओके okay? आंसर विल बी फैज़ी अबुल रहीम अब्दुल रहीम मान सिंह टोडरमल बीरवल मुला द्याजा तानसन फकीरी अबुल फैजी ओके दीज आर नाइन जेम्स ऑफ अकबर अकबर के दरबार में ये नौ रत्न थे ओके okay? इनको सिर्फ आपको इनका नाम लिखना था नेक्स्ट हु इंट्रोड्यूस द मंस अदारी सिस्टम ओके मंस अबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था किसने स्टार्ट किया था आंसर इज़ अकबर अकबर ने स्टार्ट किया था इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि मंस अदारी सिस्टम जो मंस अबदारी प्रथा थी हु इंट्रोड्यूसड किसने उसको स्टार्ट किया था ओके आंसर इज अकबर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच थ्री पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इट मीन्स औरंगजेब की किन्हीं तीन पॉलिसीज़ के बारे में बताइए तीन नीतियाँ थीं जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो फॉल हुआ था यानी कि डिक्लाइन की तरफ गया ओके फर्स्ट इज़ कॉस्टली ओके कॉस्टली लॉन्ग ड्रॉन एंड्रोनास डिक्किन कंपन इट मीन्स मोस्टली औरंगजेब स्पेंड हिज टाइम इन वेटल्स ओके डिक्किन कंपेन्स की वजह से नेक्स्ट न्यूमरस वॉर्स विथ सिख बहुत सारे युद्ध हुए थे क्योंकि मोस्टली औरंगजेब स्पेंड हिज टाइम इन बैटल्स फील्ड ओके वॉर में अपना टाइम स्पेंड करते थे नेक्स्ट ये था मराठा जाट्स एंड राजपूत उन्होंने किसी के साथ टॉलर पॉलिसी यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे नेक्स्ट इट मीन थर्ड ही लॉस्ट द सपोर्ट फ्रॉम द राजपूत हु हैड अर्लियर कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुग़ल एम्पायर द राजपूत लेटर बिकम विटर फोर्स ऑफ मुग़ल एम्पायर ओके ये तीन मेन कारण थे जिसकी वजह से औरंगजेब की जो तीन पॉलिसीज थी वो उसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हुआ था ओके दिस इज आंसर नंबर थ्री ओके एंड आंसर नंबर फोर ओके क्वेश्चन व्हाट वाज क्वेश्चन हु वाज अब्राहम लिंकन अब्राहम लिंकन कौन थे व्हेन डिड अब्राहम लिंकन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अब्राहम लिंकन कब कौन थे और वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कब बने थे ओके आंसर विल बी अब्राहम लिंकन वॉज एन अमेरिकन स्टेट्स एंड लॉयर ओके अमेरिकन अब्राहम लिंकन जो थे वो एक अमेरिकन स्टेट्स में राजनेता थे लॉयर थे हु शब्द एज अ सिक्सटींथ प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइट स्टेट्स एटीन सिक्सटी वन टू एटीन सिक्सटी फाइव इट मीन्स आपको क्या लिखना है आपको लिखना है सिर्फ अब्राहम लिंकन वॉज एन अमेरिकन स्टेट्समैन एंड लॉयर ओके फिर पूछा गया है कि वन डिड अब्राहम लिंकन विकम प्रेसीडेंट ऑफ द यूनाइट स्टेट्स तो आप लिखेंगे इन एटीन सिक्सटी वन टू एटीन सिक्सटी It means, आप कंप्लीटली भी लिख सकते हैं कि अब दूनाइटी वन में वो बने थे और एटीन सिक्सटी फाइव तक रहे थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स फॉलोइंग टर्म्स में क्या क्या है मतलब नीचे जो uh, uh, शब्द दिए गए हैं ओके okay, उनकी परिभाषा लिखनी उनको डिफाइन करना रिनेशा रनेशा मीन्स रिवर्थ रिनेशा वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल एज इन टू मॉडर्न एज मॉडर्न टाइम्स यानी मिडिल ऐज से जो मॉडर्न टाइम्स की तरफ जो ट्रांजिशन हुआ था बदलाव हुआ था जो फॉरवर्ड हुए थे उसको रनेशा कहते रिनेशा मीन्स रीवर्थ और री अवेकनिंग ओके इट बिगिन इन नॉर्दर्न इटली ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इट वॉज एंड तो आपका जो आंसर होगा आप लिख सकते हैं यू कैन राइट द रिनेशा वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडिल ओके नेक्स्ट रिफॉर्मेशन वॉट डू मीन बाई रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन मीन्स टू रिफॉर्म समथिंग इज टू चेंज इट इन ऑर्डर टू मेक इट बेटर ओके यानी कि कुछ समथिंग बेटर आपको करना है उसका मीन्स जो है आपका रिफॉर्मेशन इट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन के आंसर में आपको सिर्फ रिफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखना है रिनेशा की डेफिनेशन लिखना है कि रिनेशा है क्या है से आप क्या समझते हैं ओके वेरी गुड दीज आर क्वेश्चन एंड ऑन्सर ऑल्सो ओके आई हैव टोल्ड यू Okay, well done. Have a nice day.